वैसे आपस की बातें इनकी मार्केट के वजन के हिसाब से कितना बैठाना नहीं, बस छोड़ दो, खाली डब्बा बंद कर दो, अनबॉक्सिंग करेंगे। सर इसकी हाइट है एग्जैक्टली 9 इंच होगी सर। नहीं नहीं सर इसकी है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जिस तरह आपने नाम सुना था, गुलाबी गोट्स के एक मशहूर शौकीन थे, नहीं बल्कि हैं, अहमर जुनेद भाई आज मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम लोग नरेजो हाउस कराची में हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमर भाई, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहमर भाई माशाल्लाह से आपने दुनिया में एक गुलाबी गोट्स में एक बड़ा नाम कमाया है, और क्या आप ये शौक अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं गुलाबी का या खत्म कर दिया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल कंटिन्यू अभी कर रहे तक हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं। सर बड़े बड़े शौकीनों ने तो वहाँ पर गिव अप कर दी गुलाबी का शौक, इतना एक्सपेंसिव हो चुका था या इतनी इसमें ज़्यादा वो मसाइल आ गए थे या इतने ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ गए थे, काफ़ी लोग बैकआउट कर गए और गुलाबी का शौक ख़त्म होते हुए दिख रहा था हमें, लेकिन आप अभी तक मौजूद हैं, इसकी क्या वजह है? सर जो लोग शौक कर रहे थे ना, वो आज भी शौक कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग व्यापार कर रहे थे, उन्होंने गुलाबी का व्यापार छोड़ के अब वो दूसरी ब्रीड की तरफ चले गए। अच्छा व्यूअर्स ये आप बात नोट कर लें कि जो लोग शौक कर रहे थे वो अभी भी गुलाबी का शौक कर रहे हैं, अमर भाई बता रहे हैं, और जो लोग व्यापार व्यापार कर रहे थे, कर बिजनेस कर रहे रहे थे, थे। बिजनेस कर रहे थे, सेल परचेज का काम कर रहे थे, ब्रीड में उनका इंटरेस्ट नहीं था, सेल परचेज पे इंटरेस्ट था, तो वो लोग छोड़ के चले गए छोड़ के दूसरी चले गए। ब्रीड। जिनका पैसे कमाने में इंटरेस्ट था वो अब छोड़ के चले गए, वो टेडी की तरफ चले गए, कुछ कुछ जो है वो और दूसरी ब्रीड्स की तरफ चले गए। लेकिन जो लोग शौक कर रहे थे, जिन लोगों ने इस ब्रीड को प्रमोट किया, इस ब्रीड को अपना वक्त दिया, अपना पैसा दिया, अपना टाइम दिया, वो लोग आज भी शौक को कर रहे हैं। अच्छा कोई पुराने ऐसे फार्मर्स बताएं जो अभी तक ये शौक गुलाबी का कायम रखा हुआ जिन्होंने? उस्ताद मंगल खान बुकटी, ठीक है ठीक है, अच्छा हबीब कायम खानी, ठीक है अपना गुलाम हैदर जिंजी भाई, ठीक है ठीक अपना कराची से मुश्ताक भाई, है चौधरी इमरान, ठीक है हाजी हसन, हम ठीक फार्म है वाले, ठीक है। इंटीरियर में आप चले जाएं तो अल्लाह आपका भला करे, खैरपुर में हमारे सिराज टगर भाई, ठीक है और खैरपुर के बहुत सारे शौकीन हैं, इंटीरियर सीन के शौकीन हैं, और अपना उस्ताद वजीर खान बुकटी, ठीक ये है लोग आज भी शौक कर रहे हैं। आज भी शौक करें, जबरदस्त। चलिए व्यूअर्स ये तो अच्छी बात है। अच्छा सर एक बड़ा चर्चा आपका चल रहा है कि आपके पास कोई यूनिक चीज हुई है और आप वो छुपा के रखी हुई आपने, आप दिखाते नहीं है किसी को, ना किसी फार्मर को अलाउ करते हैं वो देखने को, और वो आपने बोला है कि यूनिक गोट्स हैं वो मैं नहीं किसी को अलाउ करूंगा, उसके पीछे क्या वजह है और वो कौन सी चीज है, आज आप हमें बता ही दें उसके बारे में। सर ऐसा है कि इस ब्रीड के पीछे मैं 2-2.5 साल से मेहनत कर रहा था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह पाक ने हमें उसका भरपूर रिजल्ट दिया है, ठीक है ठीक है, और वो बिल्कुल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स आज हम आपको एक यूनिक ब्रीड दिखाएंगे जो कि दुनिया के सबसे छोटी हाइट वाली ब्रीड होती है, जिसको नाइजेरियन डॉफ कहा जाता है, और आज कराची पाकिस्तान के अंदर मैं इंशाल्लाह अहमर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो हम आपको सारी चीज शेयर करें और हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि कराची पाकिस्तान के अंदर भी वो क्वालिटी हुई है और वो लेवल हुआ है जो कि वर्ल्ड में बहुत कम पाई जाती है। तो अहमर भाई बिस्मिल्ला करें और ये जो नायाब चीज़ें दिखाएं हमारे व्यूअर्स को और इसकी इन्फॉर्मेशन बताएं। सर ये माशाल्लाह 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 अहमर भाई ये पैदा हुए बच्चे हैं या इनकी हाइट ही इतनी रहती है? नहीं, इनकी हाइट भी इतनी रहती है, ये तकरीबन ठीक है हफ्ते 10 दिन के बच्चे हैं, ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सर ये तो रैबिट के बच्चे लग रहे हैं, माशाल्लाह बिल्कुल सर, ये जब माशाल्लाह पैदा हुए थे तो ऐसे थे जैसे बिल्ली के बच्चे। वाकई जबरदस्त जबरदस्त। अहमर भाई ये तो पॉकेट साइज है बिल्कुल, तो बिल्कुल पॉकेट बिल्कुल में भी सर, आ ये सकते हैं। पॉकेट साइज ब्रीड है। अच्छा वो अहमर भाई इसका क्या तरीका है, आप जो बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले वो हाथ पे, वो आप बोल रहे थे कि इसका तरीका होता है इसको रखने का, इसको प्रेजेंट करने का, कैसे? अब मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो कराची में सर रहता लोग हूँ, इसको हाथ पे रखते हैं, मैं आपको कैसे रख के दिखाता हूँ। दिखाते हैं, थोड़ा रख के बताएं हम कराची के लोगों को भी थोड़ा सा सिखाएं। हाँ, मेरा बच्चा, माशाल्लाह हाँ मेरा बच्चा, माशाल्लाह ये चेक करें, ये बड़ा प्रोफेशनल ये आपको तरीका बता रहे हैं, वाह
ये देखे चेक करें आप, माशाल्लाह। अच्छा ये इसका तरीका है इसको एक पाम पे रखने का? नहीं बस वैसे ही शौक में जो शौक में रखते हैं माशाल्लाह। अच्छा अहमर भाई वैसे आपस की बातें इनकी मार्केट के वजन के हिसाब से कैसे? सर शौक की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं फिर भी ये तो छोटे से हैं, कितने सर ये शौक है? में, सौ में कैसे? ये शौक है सबसे पहली बात तो ये मैंने जो है वो दिखाए इसलिए नहीं है कि मैंने बेचने हैं। ठीक है ठीक है, ये मेरा शौक है और शौक की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, आप भी शौकीन है माशाल्लाह, पुराने शौकीन है जी जी, शौक की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा अगर फर्ज करें बच्चा किसी को पसंद आ जाता है यार, छोटा सा बच्चा है और आपका कोई करीबी दोस्त हो, बोले यार अहमर भाई ये बस मुझे बच्चा पसंद आ गया, मैं बस ये जेब में डाल के अब रख के लेके बस, फिर दोस्त की जेब में दम होना चाहिए इसे लेने का। अच्छा यानी दम भी होना चाहिए। बिल्कुल सर सही सही माशा। अच्छा इसके कलर के बारे में बताएं, इसका कलर बड़ा यूनिक है अहमर भाई। सर इसका इसका जो बाप है ना उसका भी कलर यही है मेरे पास, कभी आप फार्म पे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी कलर का है? इसी कलर का इसका बाप है। माशाल्लाह माँ इसकी इसी कलर की है। अच्छा अच्छा माँ इस कलर की, माँ इस कलर की है, बाप इस कलर का है, तो अल्लाह ने जो है माँ और बाप का कॉम्बिनेशन मुझे दोनों बच्चों में जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर इसकी हाइट वाइट कितनी, ये साइज बड़ा करेंगे? बड़े होंगे इतने बड़े तो नहीं हो जाएंगे टेडी बकरियों की तरह या बर्बरी की तरह इतने हो जाए फिर वो फायदा नहीं है ना? आप तो छोटी हाइट बोल रहे हैं, टेडी से भी बहुत छोटे रहते हैं ये, 16-17-18 इंच हाइट होगी बस मैक्सिमम बस। यार वो लेके आना स्केल देना फौजी, अभी इसको चेक करते हैं हम। अच्छा ये आपने क्या बताया इसकी हाइट कितनी होगी इनकी? अभी मैक्सिमम 18 इंच। 18 इंच नहीं, नहीं अभी तो ये, अभी तो ये होंगे मेरे ख्याल 8-9 अभी तो बहुत, अभी इसको मेजर कर लेते हैं ना हम, अभी 8-9 इंच होंगे। एक मिनट ये इसको स्केल को हम सीधा रख के, अभी सर इसकी हाइट है एग्जैक्टली 9 इंच होगी सर। नहीं नहीं सर इसकी है, हाँ 9 इंच है। एक मिनट सही नहीं खड़ा हो रहा, हाँ एग्जैक्टली 9 इंच है, 9 इंच और कुछ सेंटीमीटर जी। तो ये जब बड़े होंगे तो कितने होंगे? मैक्सिमम 18 इंच। 18 इंच यानी 9 इंच तो ये और ये इतने तक आएंगे बस बस, बस। इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी सब बस। अच्छा ये वाला भी दिखाया हमें, ये वाला पीस भी दिखाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये अहमर भाई ये दोनों भाई बहने हैं, दोनों बहने हैं, दोनों भाई हैं? दोनों बहने हैं सर ये। अच्छा दोनों बहने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। ये भी बड़ा यूनिक प्रिंट आया इसका कलर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इनको अभी डाइट में आप क्या सिर्फ मिल्क दे रहे हैं? हाँ ये अपनी माँ का दूध पी रहे हैं बस। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अहमर भाई आपके पास अराउंड कितनी इसकी गोट्स होंगी नाइजेरियन की जो ये यूनिक ब्रीड है आपके पास? मेरे पास 5 फीमेल्स हैं, 1 मेल है। अच्छा 5 फीमेल्स हैं, ब्रीड आई है मेरे पास, ये पहली ब्रीड आई है, ब्रीड आई है। पहली ब्रीड इतनी अच्छी आ गई तो अब और बस सर ये तो मेरे मौला का करम है। सही 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 सही। सर इनकी वैक्सीनेशन के बारे में बताएं कैसे करते हैं वैक्सीनेशन? तो आपको तो, आप तो माशाल्लाह असर रसूख वाले हैं, आपको तो गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन भी देती होगी, डॉक्टर्स भी आते होंगे आपको वैक्सीन करके जाते होंगे, आपके तो मजे हैं सर। नहीं सर ना हमारे पास डॉक्टर आते हैं ना क्यों सर, आप तो कराची के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, आपके पास डॉक्टर कैसे नहीं आते? नहीं सर सरकारी डॉक्टर्स नहीं है। अच्छा तो प्राइवेट डॉक्टर आप मंगाते हैं? अच्छा अच्छा तो प्राइवेट डॉक्टर की फिर भारी फीसेस भी आप पे करते होंगे सर, ये तो शौक है करना पड़ेगा। सही 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 सही। वैसे सर क्या एक्सपेंडिचर आ जाता है अगर फार्म पे बंदा प्राइवेट डॉक्टर हायर करे, और उसका क्या एक्सपेंडिचर आता है मंथली बेसिस पे? जैसे आपने कोई अराउंड 70-80 गोट्स रखी हुई अपने फार्म पे। देखें सर बात यह है कि पहले तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि माल में कोई बीमारी ना आए। ठीक है ठीक है, फिर भी अगर आ जाए कोई बीमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना तजर्बा दिया है कि उसको खुद ही हैंडल कर लेते हैं, खुद ही हैंडल कर लेते। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो खुद हैंडल नहीं हो सकते। ठीक है, जो खुद हैंडल नहीं हो सकते उनके लिए फिर हम डॉक्टर हायर करते हैं, डॉक्टर हायर करते हैं। सही, फिर भी एक रफ आइडिया बताएंगे मंथली आपका कितना एक्सपेंडिचर आता है डॉक्टर के ऊपर और वैक्सीन और मेडिसिन पे? वैक्सीन और मेडिसिन पे मंथली आ जाता है सर तकरीबन मेरे पास गुलाबी और ये नाइजेरियन, और इसके अलावा एक और रेयर ब्रीड है मेरे पास सुडानी। अच्छा सुडानी भी है माशाल्लाह, सुडानी शेप से मेरे पास, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करने शुरू हो गए जल्दी। अच्छा। जो है वो इंशाल्लाह हम अपने लोगों को जो है वो सुडानी की ब्रीड भी सुडानी की ब्रीड भी दिखाएंगे। अभी भी जब मैं आपकी तरफ आ रहा था तो एक फीमेल जो है वो
भी आई थी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही क्लास उसने एक नर बच्चा डाला था। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा एमर भाई, इनकी क्वालिटी सुना है कि जंप्स वंप्स देते हैं यहाँ से, सर ये बहुत बहुत प्लेफुल। तो सर थोड़ा करके तो दिखाएं यहाँ हम लोग, रात का सोने का टाइम हो गया, फिर भी व्यूअर्स मैं आपको दिखाऊं इनकी जो क्वालिटी है, जो लोग पसंद करते हैं ना इनको, क्यों करते हैं। तो आए मैं आपको दिखाऊं कि इनका जो ये कहाँ भाग रहा है ये चेक करें आप। माशाल्लाह यार, वो दूसरा वाला भी लाना, ये सुना है खेलते बहुत अच्छा है। बहुत सर, अभी जरा इसको ऊपर रखो, और आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि इसकी हाइट आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ये थोड़े से जैसे अमर भाई ने बताया 17-18 इंचेस तक जाएगा टोटल इसका जो हाइट होगी। अभी जैसे ये 9 इंच समथिंग सेंटीमीटर्स हैं, तो ये इतने ही रहेंगे, और विद इन 3-4 मंथ्स में या 5 मंथ्स तक या 7 मंथ्स तक जो इनकी हाइट बढ़ेगी, तब ये मैक्सिमम जाएंगे 18 इंचेस तक। दोनों फीमेल्स हैं, और अमर भाई को हम मुबारकबाद देंगे कि ये इतना खूबसूरत इनके पास ये ब्रीड आई है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की ब्रीड आए ताकि हमारे कराची में और हमारे पाकिस्तान में यही क्वालिटी, यही स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। और जैसे अमर भाई फार्मिंग कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी हमारे कराची के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज होगा कि इस तरह की अगर वो फार्मिंग करें जिसमें वो रिजल्ट आए, क्वालिटी प्लस रिजल्ट। अच्छा अमर भाई, इनमें क्या और पॉइंट्स देखे जाते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें। जो कि सर सबसे पहले तो इसका साइज, सबसे पहले इसका साइज ठीक है, साइज के बाद इसके कानों की क्वालिटी, कानों की क्वालिटी कैसे पता कान सर है? ये देखें, अभी ये थोड़े से इनके कान जो है ना पत्ते की तरह खुले हुए हैं। हाँ, पत्ते की तरह खुले हुए हैं, और 10-15 दिन में ये अपने कान फोल्ड कर लेंगे। अच्छा फोल्ड कर लेंगे, जी जी, यानी जैसे टापरी बकरी के होते हैं। हाँ आई थिंक, अच्छा सही सही, फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, सही 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 बिल्कुल। तो वो फोल्ड करना लाजमी है, उसमें क्वालिटी पता सर, वो पॉइंट है इनका ना बच्चों। अच्छा वो पॉइंट है, सही। और इसमें कलर का भी कुछ पॉइंट होता है सर? ये मैंने जब भी जो है वो यूट्यूब पे नाइजीरियन ड्राफ्ट की वीडियो गूगल पे सर्च की है, जी जी, तो 90% ये जो ग्रे वाला कलर है ना, जी जी, ये कलर ही सामने आता है, यही। और भी बहुत सारे कलर है इसमें, लेकिन ग्रे वाला कलर जो है ना ये सामने आता है, सामने आता है, सही सही। तो यानी ये यूनिक कलर है इसका, ये यूनिक कलर है आई थिंक, ये माना जाता है बिल्कुल ये कलर, सही सही सही। सर क्या मैसेज देंगे हमारे जो फार्मर्स पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं, काफी कंट्रीज से देख रहे हैं, और काफी पाकिस्तानी गोट्स की तारीफ करते हैं और पाकिस्तानी फार्मर्स की तारीफ करते हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? सब फार्मर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम फार्मर्स को कामयाब करे। अच्छा सर, कराची के फार्मर्स को यूनाइट कैसे कर सकते हैं, कराची के फार्मर्स में यूनिटी कैसे ला सकते हैं, ये भी कुछ बताएं हमारे साथ, नुक्ते शेयर करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, नहीं जैसे एक प्लेटफॉर्म पे अब उनको कैसे ला सकते हैं, तो सारे फार्मर्स अच्छे हैं, सारे मिलते भी आपस में, लेकिन एक जगह यूनाइट होकर, और अगर वो एक बड़ा ग्रैंड वेंचर करें जिसमें टेडी, गुलाबी, कामोरी, पटेरी, टापरी, नाइजीरियन और जितनी भी वेरिएंट्स कराची के अंदर मौजूद है, वो अगर एक जगह पर जॉइंट वेंचर करके और एक बड़ा सा शो करे, ताकि जिससे हमारी लाइफ स्टॉक में भी इजाफा हो, लोगों में शौक भी आए, शऊर भी आए, और उनको अवेयरनेस भी मिले, तो उसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? सर माजी में भी आप देखें कि आपने काफ़ी इवेंट्स जो है वो कवर किए हैं, जी जी, होते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों उन इवेंट्स के होने के बाद जो है ना वो आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है, हमारी तो कोशिश होती है कि सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है, प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़े, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी इवेंट्स हुए ना, हर इवेंट्स के बाद कोई ना कोई दोस्त नाराज हो गया किसी ना किसी बात पे। अच्छा तो अब ये क्यों होता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सही, तो उनको बस मैसेज यही देना चाहेंगे आप कि अमन से रहें, भाईचारे से रहें, और मिल बांट के शौक करें, बस शौक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख भी सकें, शौक करें। अच्छा सर, यूथ को क्या मैसेज देंगे? नौजवान नस्ल आजकल ये गेमिंग में, पबजी में, टिकटॉक में और ये बाकी एक्टिविटीज में चल गई है, वैसे इनको स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में, फुटबॉल में और ये इस लाइफ स्टॉक में होना चाहिए। देखें क्रिकेट में, फुटबॉल में, इस तरह के अगर शौक में हमारी यूथ है तो चले फिर भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो है एक
हमारी यूथ में, खासकर कराची की यूथ में नशे की जो वबा है ना वो बहुत ज्यादा ठीक है कॉमन हो गई है। ठीक है, मतलब खास करके गुटखा और वो शीशा, एक जिससे बहुत ज्यादा टाइप जो होता है जो आजकल के लड़के पीते हैं, जी जी, उससे हजार गुना अच्छा ये शौक है। जी जी, अंबिया कराम की सुन्नत है जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी बुराइयों से आदमी बच जाता है शौक को करके। और जब आपके पास कोई शौक करते हैं आप, मेहनत करते हैं और अल्लाह पाक उसका आपको फल देते हैं, जिस तरह मुझे अल्लाह पाक ने ये फल दिया है, जी जी, तो ये फीलिंग्स मैं मतलब किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता कि इतनी गुड फीलिंग आती है अंदर से। सही सही सर, सुकून कितना मिलता है। आप सारा दिन ऑफिस में होते हैं, ऑफिस से जब शाम को थक के रश में, आप तो रहते भी ऐसी रश वाली जगह से, सदर से होते हुए डेढ़ घंटा ट्रैफिक में फंस के अपना डिफेंस जाते हैं घर पर, तो फिर जब आप इनको देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? मेरी सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। सारे दिन मेरा ब्लड प्रेशर किसी बात पे किसी ने हाई करा हुआ है, अच्छा, कहीं किसी पे गुस्सा आ रहा है, जब मैं अपने माल में जानवरों में आता हूँ सही, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ। मजा आता है, मजा आता है, बहुत मजा आता है। अच्छा सर, सुना है इससे हीलिंग भी होती है काफी लोग, जैसे अगर कोई बीमारी है या कोई बीपी का मसला होता है या किसी को शुगर डायबिटिक्स प्रॉब्लम होती है, काफी और वबाएं भी जिनको होती हैं, तो वो बोलते हैं कि यार गोट्स पे हाथ फेरने से ये बीमारियां कम हो जाती है, इसमें सच है या सिर्फ पुरानी बातें हैं? सर मेरा अपना एक तजर्बा है, मेरे बच्चे को जो है वो अस्थमा था, अस्थमा सही है, तो मुझे किसी ने बताया कि बकरी की पेशाब और मैंगनी की जो स्मेल है वो अस्थमा का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, तो मैंने बच्चे को ज्यादा टाइम जो है ना वो फिर फार्म पे बकरियों में रखना शुरू कर दिया। इकराज तो नहीं है? इकराज को बिल्कुल, अच्छा, अपने साथ रखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से वो बकरियों के शौक में आया आज तक उसे इस समय का अटैक नहीं आया। अच्छा, ये मेरी अपने तजर्बे की बात। जबरदस्त जबरदस्त। तो व्यूअर्स, ये आपने देखा अहमद जुनेद भाई, जिनके पास माशाल्लाह से एक तो गुलाबी में भी नाम है और ऊपर से अभी ये नाइजीरियन में भी, समझ ले पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन इनके पास ब्रीड है और ये इनके पास प्रोडक्शन है। देखें कि किस तरह के, किस क्वालिटी के इनके पास पॉइंटेड किड्स हैं, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, दुनिया की छोटी तरीन गोट्स जो कि शुमार होती हैं। और पाकिस्तान, आपको पता है दुनिया में कोई भी गोट ब्रीड हो पाकिस्तान से छुपी नहीं होती, या पाकिस्तान में उसका ज़रूर कोई ना कोई किरदार होता है। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ से बाकी मुल्कों में ब्रीड्स जाती हैं और पाकिस्तानी गोट्स पूरी दुनिया में मशहूर है। तो पाकिस्तानी फार्मर्स की भी मिसाल एक अहमद जुनेद भाई, जो कि हमारे कराची के फार्मर है, जिनके पास ये क्वालिटी की प्रोडक्शन हुई है और ये मज़ीद इनके पास गोट्स के और भी नाइजीरियन डॉग के किड्स आएंगे, वो भी हम आपके साथ फ्यूचर में शेयर करेंगे। कॉमेंट्स में आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है और आपने बताना है कि आज की वीडियो आपको किस तरह लगी और मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और ये वाला आपको अच्छा लगा, इसका नाम है हैरी, मैंने रखा है, अमर भाई से अभी तक पूछा नहीं है। ये हैरी है, दोनों फीमेल्स, लेकिन मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ हैरी। कमेंट में आपने बताना है ये ज्यादा अच्छा लगा या पॉटर, हैरी अच्छा है या पॉटर अच्छा है, इन दोनों में से आपने मुझे बताना है कमेंट में कि कौन सा अच्छा है, हैरी या पॉटर, इन दोनों में से आपने मुझे कॉमेंट करके बताना है। इंस्टाग्राम पे आप नारेजो प्रिंस के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।